फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे किचन में। मैं आपकी अप्सरा आज मैं लाई हूँ, कुछ बनाने जा रही हूँ आपके लिए, जो है पिज्जा का बेस। कई लोगों ने मुझे पूछा, कई फ्रेंड के कमेंट्स मिले हैं मुझे, उन्होंने पूछा है अगर बाहर जो पिज्जा के बेस मिलते हैं और घर में जो बनाए जाते हैं क्या अंतर है। मैं बताना चाहती हूँ, जो बाहर जो मिलते हैं पता नहीं कब के बने होते हैं, या फ्रेश होते हैं या नहीं होते हैं, सबसे अच्छा है घर पे बनाइए और आप जब चाहे तब पिज्जा बना सकते हैं। तो इजी है ये बनाने के लिए, चलिए देखते हैं कैसे बनाना है। अगर आई होप आपको पसंद आए तो जरूर मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट्स में शेयर कीजिएगा। चलिए देखते हैं कैसे बनाना है पिज्जा का बेस। थैंक यू। चलिए फ्रेंड्स, हम आज बनाएंगे पिज्जा बेस। उससे पहले हम ईस्ट को प्रिपेयर करेंगे, ये जल्दी एक्टिव हो जाता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, थोड़ा सा 3 से 4 चम्मच गरम पानी लेंगे, नॉर्मल वार्म वाटर। उसमें डालेंगे थोड़ा सा चीनी, तो अच्छे से थोड़ा घोल लेंगे। इतना घोले कि थोड़ा सा चीनी आपका मेल्ट होना चाहिए। देखिए काफी मेल्ट हो गया है चीनी। अब इसमें डालेंगे हम छोटा आधा चम्मच ईस्ट, ये किसी भी मार्केट में आपको अवेलेबल मिल जाएगा। इसमें डाल देंगे और ये तुरंत ही एक्टिव हो जाती है वार्म पानी से। इसको हम छोड़ देते हैं करीब 2 से 3 मिनट के लिए। इसको हम साइड में रखते हैं। मैंने लिया है 100 ग्राम मैदा, जो मैं इसमें डालूंगी बॉल में। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा इसमें डालेंगे हम रिफाइंड ऑयल 2 चम्मच, अब इसमें डालेंगे हम ईस्ट हमारा, जो देखिए ये पूरा एक्टिव हो चुका है, पूरा घोल चुका है ये। इसमें डालेंगे हमें, कई बार पिज्जा खाने का मन होता है तो हम रेडीमेड पिज्जा बेस ले लेते हैं बाहर से, कहीं से भी बाहर में मिल जाते हैं। बट अगर घर पे बनाएंगे तो इजी है, आपके पैसे बच जाएंगे, आप घर पे इजी तरह से बना सकते हैं बेस और जब चाहे तब आप पिज्जा बना के खा सकते हैं। ये हमने सारा मिक्स कर लिया, अब इसको हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और सॉफ्ट डो बना के तैयार करेंगे। इस डो को हम अब ऐसे ही रखेंगे, आप चाहे इसको साफ मर्मल के कपड़े से ढक के रखिए, वो भी कर सकते हैं, या फिर कपड़ा ढक के एक प्लेट से ऊपर से ढक दीजिए और रूम टेम्परेचर के उसमें ही रखिए और ये अपने आप अच्छे से तैयार हो जाएगा हमारा डो। अब इसको हम रखते हैं 1 घंटे के लिए, तब तक ये हमारा डो तैयार हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अब हम पिज्जा का बेस बनाना स्टार्ट करते हैं। हमने ये रखी हुई 1 घंटा हो चुका है, अब इसको हम निकालते हैं। ये देखिए ये फूल के काफी डबल हो चुका है, ये देख पा रहे। अब हम हाथ में थोड़ा सा ऑयल ले लेंगे, ज्यादा सा, और इसको अच्छे से पंच से इसको गोद लेंगे। ये देखिए ये तैयार है। अब हम थोड़ा सा तावा में तेल थोड़ा लगा लेंगे हाथ से, इसको हमें हल्का हल्का सेकना है। ये जाएगा बीच में, अब इसको दबाते हुए इसको राउंड से बेस तैयार करेंगे पिज्जा का। ये देखिए ये हमारा बेस तैयार है। अब इसको हम इस चम्मच से ऐसे ऐसे कर देंगे ताकि ये फूले ना ज्यादा। अब हम गैस को बिल्कुल ही सिम में रखेंगे, जैसा तावा गर्म हो जाएगा हम उसको उस तरफ पलट देंगे। हमें इसको सिर्फ आधा हाफ इसको पकाना है, ज्यादा नहीं। ये तावा गर्म हो चुका है,
ये सिक चुका है हल्का सा एक तरफ से, अब इसको हम पलट देते हैं। ये देखिए कुछ इस तरह से होना चाहिए पिज्जा का बेस। अब थोड़ा सा इसको सेकेंगे, बिल्कुल ही सीम में आपको सेकना है इसको। ऐसे उलट पलट करके बेस को तैयार करेंगे। ये हमारा बेस तैयार है, गैस को ऑफ करते हैं। मैंने लिया है एक सेलोफिन, इस तरह का एक साफ सेलोफिन है। आप इस तरह के सेलोफिन ले लीजिए एक, जो इसके अंदर से जगह है। अब मैं इसको क्या करूँगी, जो पिज्जा का जो बेस है अब मैं इसमें डाल दूँगी सेलोफिन में। दोस्तों आप भी ऐसे इस तरह से घर पे बना के पिज्जा बेस को सेलोफिन में डाल के फ्रिज में एटलीस्ट 2 हफ्ते के लिए रख सकते हैं। कभी भी आपको मन हुआ आप घर पे बना के पिज्जा बना के खा सकते हैं। देखिए अब इसको मैं डालूंगी सेलोफिन में। अब इसको सील कर दूंगी पूरा। अब मैं इसको डाल दूंगी फ्रिज में। अगर आपको मेरी पसंद आई वीडियो तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपनी कमेंट्स भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू।